कल मैं देख रहा था मीडिया पर भी रिपोर्टें आ रही थी, अवाम मुतमईन है, पाकिस्तान हार गया, अवाम मुतमईन। कुछ शर्म कर लो यार, लालत है तेरे ऊपर। पूरे दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आज मेरा घंटा आएगा, वो कुछ बजाएगा। मैं तेरी खुद बजी पड़ी है, फील्डर लेके आउट किया, दूसरी मर्तबा जरी लग गए। अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता है, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। लिखने के बाद अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। जहर है कि प्यार है तेरा, कैसा लास्ट में? सच बताओ रे पाकिस्तानियों ने बेचो तो लास्ट में कितना पुस्की मार। उनजी बड़ा दुख पहुंचा के एशिया कप दे विच हारन दी शिकस्त दे विच मैं होना टीवी। गाड़ी दिलवाएंगे मोहम्मद रिजवान को, मेरे बस में हो तो मैं उसको साइकिल भी ना दूं। जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की जबानी। आइए देखते हैं मजेदार वीडियो। अरे यार नए हो तो पहले वीडियो को नीचे लाल सब्सक्राइब टच कर ब्लैक कर दो, और पुराने भाई बहन हो तो लाइक शेयर जरूर करना प्लीज। देखो यार मेरे प्यारे फैंस, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। और अबे कब तक चलेगा इस मंजन पे मेरे घंटे के किंग? तूने परफॉर्मेंस देख ली, 6 मैचेस में हमने पहले ही कहा था कि तू बल्लेबाज ही नहीं है, कि तेरी फॉर्म का मसला हो। अबे तू बल्लेबाज होगा तो फॉर्म का मसला होगा ना। तू एक स्टैट पैडर है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो जो तुझे ग्रेट कहते हैं वो तमाम पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो तेरे कंधे पे चढ़ के तेड़ के रन है उसके ऊपर पैसे बनाते हैं। यार मतलब कि मैं करूं तो करूं क्या? उनजी बड़ा दुख पहुंचा के एशिया कप दे विच हारन दी शिकस्त दे विच मैं होना टीवी। यार मुझे ले जाते दुबई, मुझे खिला देते क्रिकेट मैच, स्कोर तो मैंने भी बाबर आजम जितना ही करना था भाई। ऐसे ही खड़े रहता तो गलती से 10 रन बन जाते, कुछ यहां से निकल जाती कुछ वहां से निकल जाती। यार वैसे जो है ना, पहले कम से कम ये है कि पाकिस्तानी कौम में शर्म होती थी। मेरी कौम में शर्म थी, हया थी, अब वो भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि बेस होती जा रही है कौम मेरी। गाड़ी दिलवाएंगे मोहम्मद रिजवान को, मेरे बस में हो तो मैं उसको साइकिल भी ना दूं। अबे भाई तुम ही तो वो बल्लेबाज थे जो सेट हुए थे 58 गेंदे 55 रन, अबे डूब के मर जाओ तुम लोग यार। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा उसी दिन उठ गया था जिस दिन सरफराज जैसे शफीक कप्तान को बाहर किया था। हमारी बात अगर गलत हो जाए ना 100 आने, ये जो बनते हैं गली मोहल्ले के क्रिकेटर टेप बॉल पे कभी टेप भी नहीं चढ़ाया होगा, बैठ कर क्रिकेट बात करते हैं। अबे खबरी हो तुम लोग, खबरें दो, उसने उसका पॉकेट मार लिया, उस खिलाड़ी ने उसको बल्ला मार दिया। सिलेक्शन नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, कोई बात करने का अंदाज नहीं है। इमरान खान कम से कम कैप्टन होता था यार, टीम का इंग्लिश बोलता था, बंदा कहता था यार क्या बात, बंदा शक्ल देता। क्रिकेट टीम वालों को देखो यार, ऐसे लगता है यार वो सुबह नाश्ते पे होटल में लड़का पूछता है ना फ्राई अंडा ऑमलेट टोस्ट, ये वो वाले लोग लड़के भेज दिए। यार मतलब कि मैं करूँ तो करूँ क्या? अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता है, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इस बारे में छोटी सी मैं आपको क्लिप है, वो वीडियो देखें, आप अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, टीवी फोड़ो टीवी। हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है ये तो। और ये देखो हमारा मुसलमान होके ये क्या कर रहा है, हालांकि ये इसको सोचना चाहिए फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। चल क्लिप देखते हैं। यानी 25 करोड़ में से आप लोगों को यार 11 खिलाड़ी ठीक नहीं मिलते। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। क्या हो यार, क्या तुम लोग कर रहे हो यार ड्रामे? तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बस फिर हारो हारो। मतलब आप समझते हैं कि जो अफगानी ने ये काम किया बिल्कुल गलत किया? बिल्कुल ये गलत किया। हम थोड़े लेट आए लेकिन आए तो भाई। क्या ले भिखारियो, कैसा दिया रे कल का डंडा? तोबा तोबा बेंचो, कभी जिंदगी में तुम लोग ना जीतो। वैसे देखा जाए तो हमारे किताब में भी नहीं लिखा हुआ, हमारे मजहब में भी ये चीज नहीं लिखी हुई कि हिंदू हो तो उससे नफरत करो, ये भी तो नहीं लिखा हुआ। हाँ वो तो ठीक है, हम नफरत वाली बात तो करते नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
सही बात आज लग गए ना एल, अबे उस मरी हुई टीम ने जिनके खाने पीने के पैसे नहीं, जिनके पास एशिया कप में आने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास होटल में कोई शॉपिंग के लिए पैसे नहीं, उन्होंने मारा है। मतलब लानत है तुम्हारी उस अप्रोच के ऊपर जो तुम्हें बचाते हैं। साले डोमेस्टिक में कुछ नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। मैच में क्या 2-3 रन से या क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसमें कोई ये तो नहीं ना कि हम पीछे रह गए क्या कहते। अगर आपकी तरह करेंगे ना टीम जीते या हारे तो बेइज्जत होके वापस आएंगे हार के। लानत है तेरे ऊपर, पूरे दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आज मेरा घंटा आएगा, वो कुछ बजाएगा, पे तेरी खुद बजी पड़ी है। फील्डर लेके आउट किया दूसरी मरतबा जरी लग्गा ने, वो 6 ओवर में 37 कर सके, कहां से लेकर आओगे राजपक्षे टाइप का? ये आसिफ अली के नंबर पे खेलता है, जिसको रोटेट करनी आती है स्ट्राइक, जो मैनूवर करता है, जो कंसोलिडेट करता है, और आखिर में आके घुसा के दिया उससे बम्बू तेरे मेरा शेर है। अंधे का पुत्र बना के ये इज्जत से मानने वाले नहीं, जैसे इमरान खान चलाता था मार के, ये उसी तरह चलते हैं। क्रिकेट टीम सियासत नहीं। ये बेइज्जती करो ये अगला मैच जीतेंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें, क्लिक करें, कमेंट करना ना भूलें।